खड़ी नहीं है, यही उसके मेन पहला लक्षण है, तेज बुखार आएगा, फिर खांसी होगी, फिर वो भी सूखी खांसी, क्वारंटाइन फिर भी, क्योंकि उसके लक्षण 14 दिन तक आते हैं, जरूरी नहीं है 4 दिन में आ जाए, 5 दिन में आ जाए, 6 दिन में आ जाए, 10-14 दिन में आते हैं। तो आपको सर बता, मैं कम से कम 10-12 दिन हो गए घर पे, लेकिन मेरा लास्ट टाइम चेकअप कर दिया जब मैं आए थे, तो जैसे मैं आगरा उतरे, तो वो तो टेम्परेचर नाप लेते हैं ना, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको अपने एकांत में रहना है, ठीक है, किसी से कम से कम 1-2 मीटर दूर से बात करनी है, अपने कपड़ा बर्तन जो भी खाने पीने की चीजें हैं वो अपने दूर ही रखो, वहीं परिवार के साथ में एकदम अकेले रहो, ठीक है, और हर 20 मिनट पे आधा घंटे पे जब भी कोई सामान हो हाथ धो, ठीक है, और दूसरे लोगों के संपर्क में जाओ, इसका भी बचाव ही इलाज है, ठीक है। जो आपने सर बताया ना, ऐसा कोई ना खांसी जुकाम सिर में दर्द तो नहीं है, ये अच्छी बात है, लेकिन आपको फिर 14 दिन बचाव करना है ना, तो आप अपना बचाव करिए, बचाव करिए, बाई चांस देखो है तो नहीं, फिर भी हम लोग थोड़ा फर्ज बनता है, इनकेस 1% हुआ उसके लक्षण 14 दिन बाद आए, तो आप पता नहीं कितने लोगों को बांट दोगे तब तक, आप बचाव करके चलिए 14 दिन तक सभी लोग, और ये नहीं तो आपको बताया गया, आप दूसरे को बताओ, हम लोगों का ये कर्तव्य है जैसे के लिए कि दूसरे को बताते चले जाओ, ऐसे ऐसे बताया गया, ऐसे ऐसे करना है अगर कोई आए, ठीक है, ठीक है, अपने गांव वाले जो लड़का आए थे ना उन्हें बता दे, उन्हें भी बताओ, प्रधान जी से मिल लो, प्रधान जी से अगर ऐसी समस्या आती है तुरंत प्रधान जी से फोन कराओ, ठीक है, टीम आपकी डॉक्टर की वहीं पहुंचेगी आपके पास, तो और प्रधान जी ना कर पाए आशा से बताओ, अपने गांव की आशा से बताओ, आशा लोग हम लोगों को खबर करेंगे, आपके पास सुता पहुंचेंगे हम लोग अस्पताल में, यहाँ पर हम लोग आएंगे, ठीक है, प्रधान जी से बात की है, अपने गांव ऐसे जा रहे आप आ जाते चले जाओ, कोई बात नहीं, डॉक्टर साहब बता देंगे, बस यही जो भी आए अपने लोग बताते रहो, ठीक है, समझाते रहो, जिसको ना समझ में आए वो यहाँ समझाएंगे, जो भी है वो सारी वो घर में चले आए, वो वहाँ बोल रहे प्रधान जी आपको, आपको लेकिन कुल मिला के अपने घर से बिल्कुल दूर एकांत में रहना है 14 दिन, अगर प्राइमरी स्टेज में आपको तेज खांसी हो, तेज बुखार हो और सांस लेने में अगर तकलीफ है, तो आप प्रधान के साथ में जाइए, आप प्रधान अभी जैसे आप बाहर से आ रहे हो तो प्रधान से मिलके आप क्वारंटाइन रहिए, ठीक है, अगर इस बीच में आपको तेज बुखार, खांसी, जुखाम और सांस लेने में अगर तकलीफ है, तो एक हेल्पलाइन नंबर है, प्रधान सभी प्रधानों के पास है, फोन करेंगे, डॉक्टर की टीम आपके गाँव में स्वतः पहुँचेगी, ठीक है, उसके बाद वो टीम आपका जैसा समझेगी वो जिला अस्पताल आपको भर्ती कराएगी, वहाँ से फिर आपका टेस्ट किया जाएगा, ठीक है, टेस्ट की रिपोर्ट अगर निगेटिव आती है तो कोई बात ही नहीं, तो आपको छोड़ दिया जाएगा ट्रीटमेंट लेके, नहीं तो अगर पॉजिटिव आती है तो आपको जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, धन्यवाद।